दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल BLY पॉइंट पर। मुहर्रम की पूर्व संध्या पर गुजरात के जामनगर शहर में निकाले जा रहे ताजिया जुलूस के दौरान करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी। बी संभाग थाने के एक अधिकारी ने बताया, बिजली के तार से छू जाने के बाद हुआ हादसा। अधिकारी ने बताया कि इमाम हुसैन के मकबरे की एक छोटी प्रतिकृति ताजिए के बिजली के तार से छू जाने के बाद उसमें करंट आ गया, जिसकी चपेट में 12 लोग आ गए। उन्होंने बताया कि ताजिए के तार को छूते ही उसके सिर से एक चिंगारी निकलती दिखाई दी। ताजिए के संपर्क में आए लोगों को बिजली का झटका लगा। सभी 12 लोगों को एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान आसिफ यूनुस भाई मलिक 23 वर्ष और मोहम्मद वहीद 25 वर्ष के तौर पर हुई है। ताजिया आम तौर पर बांस से सजाया जाता है और रंगीन रोशनी एवं कागज़ से उसे सजाया जाता है। ताजिए का क्या अर्थ होता है? रविवार 31 जुलाई को मुहर्रम 2022 का महीना आधिकारिक तौर पर भारत में शुरू हुआ। ये 9 अगस्त को समाप्त होता है। कहा जाता है कि मुहर्रम के महीने में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन करबला की लड़ाई में शहीद हो गए थे। ताजिया इमाम हुसैन के मकबरे की प्रतिकृति है और इसे कई रूपों और आकारों में बनाया जाता है। ताजिया शब्द अरबी शब्द के अजा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मृतकों का स्मरण करना। मुस्लिम समुदाय के सदस्य ताजिए के साथ जुलूस में ढोल बजाते हैं और या हुसैन का नारा लगाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।